पार्ट थ्री ऑफ चैप्टर वन कंटिन्यूड। विशाल एडिट। कैलाश सत्यार्थी ऑल्सो सेड दैट वी नीड कलेक्टिव एक्शंस विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अब कलेक्टिव सब लोगों का मिलकर सपोर्ट चाहिए हैं और बहुत अर्जेंटली। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स एंड एवरी चाइल्ड मैटर्स। हर एक लम्हा, हर एक पल कीमती है और हर एक बच्चा कीमती है। दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज आई कैन रिमेंबर मॉम। यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ तक मुझे याद है, विशाल अपनी मदर से कहता है। विभा सैड येस एवरी चाइल्ड नीड्स टू बी एजुकेटेड एंड टेकन केयर ऑफ। विभा कहती हैं येस, हर बच्चे को हक है कि वो भी पढ़े लिखे और उसकी भी केयर की जाए। मॉम आई एम सो हैप्पी दैट यू पे द स्कूल फीस ऑफ द सन ऑफ आवर डोमेस्टिक हेल्प। यहाँ विशाल अपनी मदर से कह रहा है कि मॉम मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमारे घर में काम करने वाली जो आंटी हैं उनके बच्चे की स्कूल फीस पे कर दी। विभा सेड आई बिलीव वी शुड हेल्प द नीडी स्पेशली द चिल्ड्रन वेयर एवर एंड वेन एवर पॉसिबल। तभी उसकी मदर कहती हैं मुझे लगता है कि हमें हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए और स्पेशली बच्चों की, जहाँ पे भी जिस तरह से भी पॉसिबल हो। विशाल केम क्लोज टू हिज मदर। मॉम आई वॉन्ट टू टीच द लिटिल बॉय। विशाल अपनी मदर के पास आता है, उनसे कहता है कि मॉम मैं उस छोटे बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ। एवरी संडे इवनिंग फॉर एन आवर। हर संडे में शाम को एक घंटे के लिए। ही कैन कम अप विद हिज मदर व्हेन शी कम्स टू वर्क हेयर। प्लीज़ अलाउ मी टू डू सो। वो यहाँ आ सकता है अपनी मदर के साथ। प्लीज़ आप मुझे अलाउ कर दीजिए उसकी हेल्प करने के लिए, उसे पढ़ाने के लिए। विभा हग्ड हिम एंड सेड डेफिनेटली डियर ही शुड आल्सो लर्न एंड बी हैप्पी लाइक अदर चिल्ड्रन। विभा अपने सन को, विशाल को हग करती हैं और कहती हैं हाँ बिल्कुल, तुम उसे पढ़ा सकते हो, वो भी पढ़ सकता है और वो भी और बच्चों की तरह खुश हो सकता है। नाउ कम एंड हैव लंच डियर। अब आओ और लंच कर लो। सो चिल्ड्रन, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? इस स्टोरी से क्या सीखा है आपने? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ व्हेनेवर एंड वेयर